Good morning, everyone. How are you all? Hope you are fine at home. आज हम स्वरों का दोबारा से अभ्यास करेंगे. ऊ से उपग्रह. उपग्रह हमें मौसम की सटीक जानकारी देता है. आर्यभट्ट भारत का पहला मानव निर्मित उपग्रह था. ऊ से उमा. उमा बहुत अच्छी लड़की है. वह अपना सारा कार्य समय पर करती है. आप भी अपना कार्य समय पर करते हैं ना? वैसे ही उमा भी अपना सारा कार्य समय पर करती है. ऊ से उड़न खटोला. उड़न खटोला हवाई यात्रा के लिए उपयोग होता है. इसके द्वारा हम लंबी यात्रा भी कम समय में कर सकते हैं. चलिए अब हम ऊ लिखना सीखेंगे. एक बंदर सो रहा था. उसे भूख लगी. उसने आधी रोटी खाई, फिर आधी रोटी और खाई, पैर ऊपर करके सो गया. एक बंदर सो रहा था. उसे भूख लगी. पहले उसने आधी रोटी खाई, फिर आधी रोटी और खाई, पैर ऊपर करके सो गया. एक बार फिर से करते हैं. एक बंदर सो रहा था. पहले उसे भूख लगी. उसने पहले आधी रोटी खाई, आधी रोटी और खाई, पैर ऊपर करके सो गया. बच्चों, हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हिंदी में हमेशा हमें दूसरी लाइन से स्टार्ट करना है. इन हिंदी वी हैव 5 लाइन्स, 1, 2, 3, 4, 5. लेकिन हम हिंदी में पहली लाइन से शुरू नहीं करते, हम लोग दूसरी लाइन से शुरू करते हैं. ठीक है, इसी प्रकार आपको भी दूसरी लाइन से कार्य हिंदी में शुरू करना है. चलिए एक बार फिर से अभ्यास करते हैं. ऊ से उपग्रह. ऊ से उमा. ऊ से उड़न खटोला. चलिए ऊ लिखना सीखें. एक बंदर सो रहा था. उसे भूख लगी. उसने आधी रोटी खाई, फिर आधी रोटी और खाई, पैर ऊपर करके सो गया. इसी प्रकार से आपको घर में भी कार्य करना है. धन्यवाद.